गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे काफी सारे ओटीटी अपडेट्स के बारे में। इस मंथ हमें क्या क्या देखने को मिला, कौन कौन सी मूवीज, वेब सीरीज। आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, Z5 के अपडेट्स के बारे में। और उसी के साथ जितने भी इस वीडियो में मैं अपडेट बताऊंगा वो आपको सारी मेरी वेबसाइट और एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन प्राइम प्लेटफॉर्म के अपडेट के बारे में कि अमेजोन प्राइम पर इस मंथ कौन कौन सी मूवीज या वेब सीरीज रिलीज हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरियन ड्रामा के बारे में। तो कोरियन की एक मूवी रिलीज हुई है जो कि अंडरकवर 21 जून को रिलीज हुई थी अमेजोन प्राइम पे, जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक्शन क्राइम देखनी है। उसी के साथ फायर हार्ट जो कि 21 जून को रिलीज हुई थी, एडवेंचर है, एनिमेशन है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो कि मार्वल फैन है जाके चेकआउट कर सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। उसी के साथ सारुकारी जो कि महेश बाबू की ब्लॉकबस्टर मूवी है जो कि आपको मलयालम, तेलुगु, तमिल में देखने को मिलेगी, हिंदी का कोई भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद क्लोई जो कि एक टीवी शो है, अगर आपको ड्रामा टीवी शो देखना पसंद है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, 24 तारीख को अमेजोन प्राइम में रिलीज हो चुकी है। उसी के साथ अगर आप कैरी मिनाटी के बहुत बड़े फैन हो तो रनवे 34 देखना ना भूलिएगा जो कि अमेजोन प्राइम पर हिंदी में आ चुकी है 24 जून को। उसी के साथ बात करते हैं बाउंडलैंड्स के बारे में जो कि ड्रामा और हिस्टोरिकल टीवी शो है, बहुत ही कमाल का, एक बार जाके चेकआउट जरूर करिएगा, हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं द मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि हॉरर साइंस फिक्शन है, आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ क्रिस की जो कि टर्मिनेटर एक टीवी शो है, बहुत ही कमाल का, एक बार देखिएगा जरूर। उसी के साथ धाकड़ जो कि G5 पे आ चुकी हिंदी लैंग्वेज में और शायद मे बी रेंटल है, और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत कर दूंगा। उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज जो कि अमेजोन प्राइम पे आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी, तमिल, तेलुगु में, तीन लैंग्वेज में कम से कम 1 जुलाई को रिलीज हुई है ये मूवी। चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन अपडेट के बारे में। तो फाइनली स्पाइडरमैन की सारी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें कि आपका स्पाइडरमैन 1 जो कि टॉबी मैकफाई की है, फिर उसके बाद उसका पार्ट 2, फिर उसके बाद उसका पार्ट 3, फिर उसके बाद यानी जो अलग यूनिवर्स की हैं जैसे कि कह सकते हो वेनम मूवी है, उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो पूरा स्पाइडरमैन का मूवी आ चुकी है और ये सब की सब इंग्लिश में आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जैसे इनका कोई हिंदी का अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ बात करें अगर कलेक्शन के बारे में तो यानी डिज्नी ने ऑफिशियली कलेक्शन भी रिलीज करे हैं जिसमें कि थॉर कलेक्शन, स्पाइडरमैन कलेक्शन, कैप्टन अमेरिका, तो वो भी सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हैं। तो गाइस ये थे वो काफी कमाल के अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।